ये है Realme Buds Air 3 और इसको देखने के बाद मैं बस इतना बोलूंगा कि ये बहुत सही लग रहे हैं देखने में। प्लस मैं आपको बता दूं, इसमें 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं। कंपनी क्लेम कर रही है कि 30 घंटा इसका बैटरी बैकअप मिल रहा है इसमें। तो कैसा है Realme का Air Buds 3, क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है, या फिर मैं बोलूं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, इन सब के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं Realme Buds Air 3 के डिजाइन की। तो इसको देखने के बाद आप बस इतना मान लीजिए कि इस प्राइस रेंज में इससे अच्छा दिखने वाला आपको TWS नहीं मिलने वाला है। तो चलिए अब मैं ओवरव्यू दे देता हूं आपको डिजाइन का। तो ऊपर के साइड यहां पे Realme की ब्रांडिंग की गई है, और जैसे ही आप इसको ओपन करते हो यहां पे आपको एक छोटी सी LED डॉट जैसी लाइट दी गई है, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि आपका जो TWS है वो पेयरिंग मोड में है, रेड मोड में है, तो बैटरी लो तो नहीं है, ये सब आपको यहां से पता चल जाएगा। नीचे के साइड यहां पे आपको USB टाइप सी का पोर्ट दिया गया है। पीछे के साइड यहां पे Realme ने मुझे कस्टमाइज करके मेरा नाम लिख के दिया है, वैसे ये प्लेन ही रहता है मोस्टली। और एक चीज मैं बोलूंगा कि जैसे ही आप इस केस को लेते हो आप तुरंत इस पे कवर लगा लें, क्योंकि स्क्रैचेस बहुत ज्यादा इस पे आने वाले हैं। ग्लॉसी फिनिश है लेकिन स्क्रैचेस बहुत ज्यादा विजिबल हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा डिजाइन के बारे में कि एक बार नहीं मतलब 3-4 बार ये जब मैं यूज कर रहा था इन TWS को तो मेरे हाथ से गिर गए थे, और उसके बाद भी ये लकीली बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज मैं बोलूंगा कि ये बहुत सही है। तो चलिए बात करते हैं केस क्वालिटी की। तो इसका केस की क्वालिटी मैं बोलूंगा कि सही है। ऊपर का पोर्शन मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं ये टूट ना जाए या इधर से उधर ना हो जाए, बाकी ओवरऑल केस की क्वालिटी मैं बोलूंगा कि अच्छी है। बस वही है कि स्क्रैचेस बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो आपको लेते ही आपको कवर लगाना पड़ेगा। बाकी अगर मैं मैग्नेटिक होल्ड की बात करूं तो ये काफी अच्छे से होल्ड कर लेता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इनको आप ऐसे भी करोगे तो ये गिरने वाले नहीं है, तो मैग्नेटिक होल्ड अच्छा है इसका। बाकी अगर मैं बर्ड्स के डिजाइन की बात करूं तो मुझे बर्ड्स का डिजाइन काफी पसंद आया है। इनफैक्ट इनके जो टिप्स क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है सिलिकॉन के, और जो इसका स्टेम है ये भी बहुत सही है। इसमें टच कंट्रोल आपको यहीं पे प्लेस किया गया है। बाकी मैं आपको पहन के दिखा देता हूं, मुझे एज सच इसमें कहीं से भी ऐसा फील नहीं होता है पहनने के बाद कि ये बर्ड्स आपके कान से गिरने वाले हैं, या फिर मैं बोलूं पहनने के बाद इसको ऐसा फील करो कि कुछ हैवी सा आपने अपने कान में डाल लिया है। बहुत ही लाइट वेट है, तो कहीं से भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि इन बर्ड्स की क्वालिटी खराब है। बस हाँ, केस मुझे ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा हल्का लगा, बाकी ओवरऑल जो इसका डिजाइन है या फिर मैं बोलूं जो ओवरऑल इसका बिल्ड क्वालिटी है वो सही है प्राइस को देखते हुए। तो चलिए बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी और फीचर्स की। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप वो इंसान हो जिसको हाई वॉल्यूम चाहिए या फिर मैं बोलूं कि लाउड म्यूजिक पसंद है, तो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है Realme का Buds Air 3। टच कंट्रोल्स इसमें दिए गए हैं जिसको कि आप कस्टमाइज कर सकते हो Realme लिंक ऐप से, जैसे कि डबल टैप से प्ले और पॉज कर सकते हो आप, कॉल को रिसीव और एंड कर सकते हो, ट्रिपल टैप से नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हो, अगर आप होल्ड करके 2 सेकंड रखते हो किसी भी एक बर्ड पे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ इसमें अगर आप 2 सेकंड को दोनों बर्ड्स को प्रेस करके रखते हो तो नॉर्मल मोड और गेमिंग मोड में भी आप स्विच कर सकते हो। बहुत सारे फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं, जैसे कि ANC, जो कि मैं बोलूंगा कि बहुत सही काम करता है। इनफैक्ट आप ANC इसका बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो, और साथ ही साथ इसमें स्मार्ट डी विंड का भी फीचर दिया गया है। 10mm डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं जिससे कि आपका साउंड क्वालिटी और ज्यादा बेटर हो जाता है। प्लस 88ms सुपर लो लेटेंसी इसमें दिया गया है गेमिंग मोड में। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं गेम खेल रहा था तो साउंड डी सिंक का जो आपको एक मैं बोलूं कि प्रॉब्लम देखने को मिलता है TWS में या वायरलेस ईयरफोन्स में, वो इसमें मुझे देखने को नहीं मिला। इमाम रेडी ना? सॉरी जीतू जी, तो ऐसा है कि एक बार अगर इसका ANC ऑन हो जाता है तो आप दुनिया से एकदम डिस्कनेक्ट हो जाते हो। इंटरेस्ट में इसका ANC बहुत सही काम करता है, आपको बस 2 सेकंड होल्ड करके रखना है इसका ANC ऑन हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप कंटेंट बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो, कॉल्स पे बहुत ज्यादा रहते हो, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इन TWS के साथ, क्योंकि मैंने घंटों कंटेंट कंज्यूम किया है और ऐसा मुझे किसी तरह का कोई इचिंग इशू या फिर कान में दर्द होना इस तरह के इशू मुझे नहीं हुआ। प्लस मैंने कॉल्स भी बहुत ज्यादा अटेंड किए हैं, जूम कॉल्स अटेंड किए हैं मैंने इस पे, तो मैं जो अभी पिछले 5-6 दिनों से जो भी मैं कॉल्स ले रहा था, चाहे वो वीडियो कॉल्स थे या फिर फोन के कॉल्स थे, मैं सब इन TWS में ही ले रहा था, और मुझे ऐसा कोई कनेक्शन का इशू या फिर मैं बोलूँ कॉल ड्रॉप का इशू जो हमें फेस करने को मिलता है TWS में कि आवाज कट जा रहा है या फिर आवाज आपका वहां सही से नहीं पहुंच रहा है, ऐसा मुझे कोई इशू नहीं हुआ। इनफैक्ट कॉल क्वालिटी जो इसका है वो भी बहुत सही है, तो मैं अपना कंटेंट एंजॉय कर लेता हूं। आगे की बात है इस वाले वीडियो के बाद।
डुअल डिवाइस कनेक्शन भी इसमें दिया गया है, जिससे कि साइमल्टेनियसली आप दो डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर पाओगे। और यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है ये फीचर, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ जब मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था और मेरे फोन पे कॉल आ रहा था तो मैं इससे रिसीव कर पा रहा था, और उसका जैसे ही कॉल एंड कर रहा था ये साइमल्टेनियसली मेरे लैपटॉप से कनेक्ट हो जा रहा था। तो ये बहुत काम का फीचर है और आप बहुत यूज करने वाले हो अगर आप रियलमी बर्ड्स एयर 3 खरीदते हो। तो चलिए बात करते हैं आईपी रेटिंग की। तो मैं आपको बता दूं कि Realme Buds Air 3 में IPX5 दिया गया है, जो कि वाटर रेजिस्टेंट है, पानी के स्प्लैशेस को या फिर बोलूं स्वेट को ये काफी अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। मतलब मैनेज क्या कर लेते हैं, बात को यहाँ पे ये समझना है कि उनसे आपको बचा लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन एक बात जो आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इसका जो केस है उस पर कोई आईपी रेटिंग नहीं दिया गया है, तो इसको आपको पानी से दूर रखना है। चलिए बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो Realme Buds Air 3 में ब्लूटूथ 5.2 दिया गया है, जिसका की रेंज है 10 मीटर तक। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे यूज के सिनेरियो में मुझे ऐसे कनेक्शन का कोई दिक्कत नहीं हुआ। जैसे ही मैं इसको ओपन करता था मेरे फोन से ये कनेक्ट हो जाता था और ये काफी फास्ट था। ऐसे कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही काम करता है, किसी तरह की कोई हमें लैग कनेक्शन में देखने को नहीं मिलता है। प्लस अगर आप गेम भी खेलते हो तो वहां पे भी इसका जो कनेक्शन है या फिर मैं बोलूं जो डी सिंक होता था वो भी इशू यहां पे देखने को नहीं मिलता है। तो कनेक्शन वाइज मैं बोलूंगा कि रियलमी ने यहां पे बहुत सही काम किया है। तो चलिए बात करते हैं इसके बैटरी परफॉर्मेंस की। तो रियलमी क्लेम करती है कि ये बर्ड्स आपका 30 घंटे तक साथ निभा देगी, लेकिन मेरे यूज के सिनेरियो में बोलूंगा कि 22 से 24 घंटा ये एकदम चला था, और वो भी तब जब मैं इसको साइमल्टेनियसली यूज करने के बाद इसको मैं वापस केस में रख दे रहा था, उसके बाद भी आराम से 24 से 25 घंटे से मैंने निकाल दिया था, जो कि मैं बोलूंगा कि बहुत सही है। एक सिंगल चार्ज पे इतना अगर आपको बैकअप मिल जा रहा है तो ये बहुत सही चीज है। तो अब सवाल आता है कि क्या आपको Realme Buds Air 3 खरीदना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि अभी फिलहाल मुझे इसका प्राइस नहीं पता है, लेकिन अगर इसका प्राइस 2500 से 3000 के बीच आता है तो एकदम रिकमेंडेड प्रोडक्ट बन जाता है ये मेरे तरफ से। बाकी इसमें आपको अच्छा साउंड क्वालिटी मिल रहा है, बैटरी बैकअप अच्छी है, साथ ही साथ कनेक्शन इशू आपको देखने को नहीं मिलता है। बिल्ड क्वालिटी मैं बोलूंगा थोड़ा बेटर किया जा सकता था। ओवरऑल डिवाइस मुझे बहुत पसंद आया है। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस चैनल को लाइक फॉलो शेयर करना मत भूलिएगा।